तो फिलहाल अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं, नहीं अप्रोक्स 9 बजते होंगे, और अभी हैं गधड़ा बाजार में, ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। और अभी जाते हैं इलेक्शन पॉइंट जहाँ पे वोटिंग हो रहा है, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं कि आगे वोटिंग वगैरह का क्या प्रोसीजर होता है। आम देख रहे हैं आप, क्या ही बेहतरीन काम किया गया है इस मंदिर को बनाने में, अभी और काम चालू हुई है। तो फिलहाल अभी अपन जा रहे हैं स्वामी नारायण गधड़ा मंदिर, ठीक है, यहाँ पे एक मंदिर है जो कि जाते हैं और देखते हैं वहाँ का क्या स्पिरिचुअलिटी होता है, ठीक है, चलते हैं। गधड़ा सही बोलते हैं ना, गधड़ा 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 क्या 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 गधड़ा 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 देख रहे हैं, गधड़ा का स्पेलिंग, गधड़ा का प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता। तो ये गलियां से होते हुए आपको मंदिर जाना होता है, तो चलते हैं मंदिर, थोड़ा देखते हैं स्पिरिचुअलिटी, एक्सप्लोर करते हैं। तो यही मंदिर है, और बगल में जो आपको दिख रहा है वो है धर्मशाला। जो लोग दूर से आते हैं दर्शन करने आते हैं बाबा का, तो वो लोग अपना बगल में होटल लेके रह सकते हैं। थीम काफ़ी बेहतर है, ठीक है, और इधर भी क्या ही बेहतरीन डिजाइन किया गया। ये मंदिर है, चलते हैं कहीं और, चल हमको लगा रुक गए आप। तो यही मंदिर है स्वामी नारायण भगवान का, और अभी चलते हैं, अभी काम वगैरह पूरा चल रहा है, पूरा अच्छे से तरीके से जब काम हो जाएगा तो और बेहतरीन लगेगा। ऐसे ही मुझे बेहतरीन लग रहा है, देख रहे हैं धर्मशाला पीछे क्या है, और ये थीम मुझे काफ़ी बेहतर लगा, एकदम एक थीम में है।
तो कहा जाता है कि स्वामीनारायण भगवान जो है यहीं पे अपना पूरा जीवन गुजारे हैं, और अभी हम लोग दर्शन वगैरह कर लिए अच्छे तरीके से, अब चलते हैं जहाँ पे वो अपना ज्ञान बांटते थे, सभी साधु संतों को बुला के वो अपना सब उद्देश्य दे देते कि चोरी नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं वहाँ, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। भगवान जी जो है यहीं पेड़ के नीचे बैठते थे और सभी साधु संतों को अपना उद्देश्य देते थे, अपना ज्ञान बांटते थे। हाँ, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जो नीचे है वो टाइल्स मार्बल वगैरह नहीं लगाया गया, जो था पहले वही लगा गया है, रेत है अभी, इनके चारों बगल आपको ये रेत मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी टाइल्स मार्बल वाला नहीं लगाया गया, यहाँ कोई भी टाइल्स मार्बल नहीं लगाया गया, पूरा रेत ही रेत है। यही वो जगह है जहाँ भगवान बातें करते थे, रहते थे। ये सब उनकी पुरानी चीज़ें हैं जिनको जिनको वो स्पर्श किए हैं। और एक चीज़ मुझे काफ़ी और यहाँ पे बेहतर लगा, यहाँ पे जो था पहले वही लगाया गया है, ना कि यहाँ पे पूरा एक अच्छे तरीके से मंदिर बनाया गया है। मतलब कुछ चीज़ें जो है वो नॉस्टैल्जिक ही रहना चाहिए। तो यदि आपको गुजराती आती है तो आप इसको पढ़ सकते हैं पाउच करके, ठीक है। मुझे तो नहीं आती इसलिए हम नहीं बता सकते। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं अक्षर ओढ़ी, जहाँ पे भगवान जी खाते थे, रहते थे, सोते थे, और यहाँ पे शायद यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। हम लोग हिंदी में यज्ञ बोलते हैं और फिर गुजराती में यज्ञ बोलते हैं। ये जो वचनामृत होता है ना, वो महाराज ने इधर 20 वचनामृत खुद उसके मुख से उस प्रवचन दिया है।
स्नान करते हैं सुबह, तो भगवान जी सुबह सुबह यहाँ कुएं से पानी निकाल के अपना स्नान करते थे और यहीं पे खाते थे पीछे। काफ़ी बेहतरीन लगती है जब पुरानी चीज़ों को फिर से अच्छे से देखना, याद करना अच्छा लगता है।